In date operation, we are used month between. Month between, number of month between the two date. Add month, add the calendar month to the date. Next day to the date specified. Last day of a month. Round of day, truncation of day. Month between, it is find out the month. Okay, मतलब दो डेट का बीच में कितना डेज आएगा वो शो करेगा यहाँ पर, और आठ मंथ जो स्पेसिफाइड डेट है उसमें कुछ मंथ ऐड करेगा इधर. लास्ट डे का मतलब क्या है, एक मंथ का जो लास्ट डेट होता है और लास्ट डे होता है ये शो करेगा, और डे को यहाँ पर राउंड अप करेगा और ट्रंकेशन करेगा. जैसे कि नंबर का राउंड अप ट्रंकेशन हुआ, यहाँ पर भी राउंड अप और ट्रंकेशन यहाँ पर पास होगा. So these are the different date function we are using. So I have to find out the months between. Months between. तो आपका कितने साल से जिंदा हो ये देखेंगे. ओके, आपका एज देखें. ओके, सिलेक्ट कितना मंथ आपका जिंदगी का गुजर चुके हो. मंथ बिटवीन सिस्टम डेट हो गया. सिस्टम डेट अभी धरती, तुम बोलो तुम धरती का बोझ कब से बन. बारह सितंबर भाई साल बताओ फिर. बर्थडे भी है हमको तो पता नहीं, फिट नहीं मिला तो अकेले अकेले खा रहे हो. देखो मंथ बिटवीन 384 मतलब 384 मंथ आप जिंदगी गुजार चुके. और यहाँ 1989 मतलब क्या, मतलब बुढ़ा हो 84 okay. और इसको हम और एक तो हम राउंड अप करते हैं. रुको रुको इसको एक लाइन में दे देते हैं, इसको राउंड अप करते हैं. एक क्वेरी में हम बहुत सारा क्वेरी निकालेंगे. सिलेक्ट पर राउंड दे दिया जीरो ब्रैकेट में क्यूरी से क्यूरी. ओके तो ये पूरा राउंड अप कर दिया.
264. What it? Madhu, Amit, Atmulti. I guess. सिस्टम रेट का मतलब आज का रेट से मतलब जो करंट रेट है. अगर मेरा पकड़ लीजिए मेरा सिस्टम तुम्हारा गलत रेट रहेगा तो कैसे पकड़ेगा? तुम्हारा इस कंप्यूटर सिस्टम का बैटरी अगर खराब होगा करंट रेट नहीं आएगा. नहीं ये ग्लोबल से नहीं आता, सिस्टम रेट से लगता है यार. हम क्या लिखें? सिस्टम रेट लिखें. हम नहीं लिखें इंटरनेट का रेट. इंटरनेट का रेट अलग रहता है. ये हो गया आपका मंथ बिटवीन. उसके बाद है आड मंथ. आड मंथ तो आपको सपोज मैंने अच्छा काम नहीं किया तो उसको 3 महीने के बाद सैलरी मिलेगा. तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आड मंथ. सिस्टम रेट से 2 मंथ हम आड करेंगे. ठीक है यहाँ पर ऐड दिखा दो. ऐड अंडरस्कोर मंथ. हो गया सिस्टम डेट. सिस्टम डेट आज का डेट से हम 3 मंथ ऐड करेंगे. ट्वेंटी वन. अगर आपको करेंट डेट देखना है सिलेक्ट सिस्टम डेट फ्रॉम गूगल. सिस्टम करेंट डेट आपको दिखाएगा सिस्टम पे. ठीक है सिलेक्ट नेक्स्ट अंडरस्कोर डे सिस्टम डेट. तो आज का जो करंट डेट पर नेक्स्ट फ्राइडे कब निकलेगा? सॉरी फ्रॉम डुअल. ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर. ओके तो नेक्स्ट फ्राइडे 24 में पड़ेगा. देखो 24 में नेक्स्ट फ्राइडे है कि नहीं. फ्राइडे के दिन 24 है. सिलेक्ट लास्ट डे. इस महीने का लास्ट डे कब है? सिलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर डे. पांच साल सितंबर का 21 तारीख का डे निकल रहा है. देखते ढूंढने से तो मिल जाएगा क्या लिखा.
30 September last day है. और 8 मंथ हो गया. उसके बाद यहाँ पर थोड़ा और एक चीज है. सो द डेट फॉर्मेट वी आर यूजिंग, ध्यान से देखो. द डेट फॉर्मेट दैट वी आर यूजिंग इट इज कॉल्ड एज द आर आर डेट फॉर्मेट. ओके, आर आर डेट फॉर्मेट लाइक वी आर यूजिंग करेंट ईयर, RR date format, current year, specified date, RR format, YY format. Okay. So current year is 99. Okay. Current year is 99. Then 1995. Specified date is 95. RR format में 95 होगा और YY format में 95 होगा. देखो यहाँ पर एक दिया है, इफ टू डिजिट ऑफ द ईयर, आपका जो ईयर का दो डिजिट है 0 से 49 रहता है. ओके, अगर आप टू डिजिट ऑफ द करेंट ईयर अगर 0 से 49 है और जो स्पेसिफाइड टू डिजिट ईयर 0 से 49 है तो रिटर्न डेट इज करेंट सेंचुरी ईयर इन आरआर फॉर्मेट. रिटर्न डेट इज सेंचुरी बिफोर द करेंट वन. अगर आपका टू डिजिट ऑफ द ईयर आपका 50 से 99 के अंदर है तो रिटर्न डेट इज सेंचुरी आफ्टर द करेंट वन. द रिटर्न डेट इज YY फॉर्मेट में होगा. द रिटर्न डेट इज सेंचुरी करेंट सेंचुरी. पहले 2000 साल से पहले जो ईयर हम यूज करते थे उसका जो रिटर्न डेट है उसका जो ईयर फॉर्मेट है YY होता है, और 2000 साल के बाद जो ईयर फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं दैट इज RR फॉर्मेट. याद रखिए जो RR फॉर्मेट है 2000 साल के बाद जो ईयर फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं वो RR फॉर्मेट है. 2000 से पहले जो ईयर फॉर्मेट था ये YY फॉर्मेट है. सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ये ध्यान में रखो YY जो फॉर्मेट है वो 2000 साल से पहले ये यूज होता था. 2000 साल के बाद जो है वो RR फॉर्मेट यूज होता है.
लेकिन जब हम वाईवाई फॉर्मेट में होते थे वहां पर क्या 10 साल के बाद 2017 आएगा ये हम निकल नहीं सकते, निकल सकते थे? तो वही चीज मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आपका है करेंट ईयर, मतलब आप 1995 साल में है, 1995 में है स्पेसिफाइड डेट, और आपका जो स्पेसिफाइड डेट है वो भी 95 के अंदर है। इफ टू डिजिट ऑफ द ईयर, इफ द टू डिजिट ऑफ द ईयर इज 0 to 59, ओके टू डिजिट ऑफ द ईयर इज 0 to 50, मतलब आपका जो करेंट ईयर है ये 0 से लेकर 49 तक है, नहीं आपका करेंट ईयर क्या है 1995, मतलब 50 से 99 तक है। तो आरआर फॉर्मेट में क्या होगा, द रिटर्न डेट इज, ओके द रिटर्न डेट इज सेंचुरी आफ्टर करेंट वन, तो आपका स्पेसिफाइड डेट क्या है 95 है, तो 0 से 49 में नहीं आएगा, तो आपका किसके अंदर आएगा 50 से 99 के अंदर आएगा। तो इसमें क्या होगा, रिटर्न डेट इज करेंट सेंचुरी 1990, समझ में आया? आत्मज्योति, मधु, अमित, यस सर, ओके नाउ यू कम टू हियर, योर करेंट ईयर इज 1995, मतलब इसके अंदर है, और आपका जो स्पेसिफाइड डेट है किसके अंदर है 17, मतलब 0 से लेकर 49 में है, तो 0 से लेकर 49 के अंदर है। तो आपका रिटर्न डेट क्या आएगा, रिटर्न डेट इज करेंट सेंचुरी 2017, ओके और 2017 यहां पर आ गया, और वाईवाई फॉर्मेट में क्या होगा, यहां पर वाईवाई फॉर्मेट में क्या होगा, द रिटर्न डेट इज वाईवाई फॉर्मेट में सेंचुरी बिफोर करेंट वन। अब कौन सा साल में हो, 2017, तो एक सेंचुरी बिफोर चला गया 1970, ओके फिर आपका करेंट ईयर आ गया 2001, ओके करेंट ईयर 2001 इसके अंदर आ गया, और आपका जो स्पेसिफाइड डेट है 2017 इसके अंदर आ गया, तो रिटर्न डेट क्या होगा, रिटर्न डेट इज करेंट सेंचुरी ईयर, तो रिटर्न डेट भी करेंट सेंचुरी ईयर आ गया यहाँ पर, समझ में आया? और वाई वाई फॉर्मेट में भी आपका आ जाएगा किसमें 2017, तो यहां पर देखो करेंट ईयर हो गया 2001, करेंट ईयर यहां पर हो गया 2001 हो गया, इसके अंदर आ गया, स्पेसिफाइड डेट इसके अंदर आ गया, इसमें आ गया, ओके द रिटर्न डेट इज सेंचुरी बिफोर करेंट वन। आपका रिटर्न डेट क्या होगा, अगर 95 होगा 2095 साल दिखाना होगा, लेकिन यहां पर सेंचुरी बिफोर करेंट वन, और यहां पर क्या होगा, रिटर्न डेट इज करेंट सेंचुरी 2090, बता दें, ओके आया दिमाग में सर? आत्मज्योति, अमित, मधु, हाँ सर, यस सर, यस सर, नाउ आई विल शो यू सम अदर प्रोग्राम, other query, okay, what is that, select employee_id, hire_date, months between
system date higher underscore date as a tenure. Then add underscore month higher underscore date next 6 months as a review. Next underscore day higher underscore date Friday last underscore day higher underscore date HR dot employees where month underscore between system date higher underscore date is less than 150. Okay, so यहां पर देखिए ये क्या एक क्यूरी बोल रहा है. सिलेक्ट एम्प्लॉई आईडी, पहले एम्प्लॉई आईडी रिट्राइव करेगा, हायर डेट रिट्राइव करेगा, मंथ बिटवीन सिस्टम डेट और हायर डेट. तो कितना टाइम तक वो काम किया आज ए टेन्योर तक दिखाएगा. उसका नेक्स्ट रिव्यू डेट हायर डेट से 6 मंथ के बाद उसका रिव्यू डेट दिखाएगा. उसके बाद आपको दिखाएगा हायर डेट का नेक्स्ट फ्राइडे कौन सा दिन में पड़ता है वो दिखाएगा. हायर डेट का जो लास्ट डेट है वो दिखाएगा फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉई वेयर मंथ्स बिटवीन सिस्टम डॉट हायर डेट लेस देन 15. मतलब जिसका हायर डेट जो मंथ से 150 से नीचे होगा उसका वैल्यू रिट्राइव करके दिखाएगा. इट इज रिट्राइव ओनली द रिकॉर्ड वेयर मंथ्स इज लेस देन 150. कुछ नहीं फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉई से. अच्छा ये थोड़ा कम कर लेते हैं, 140 दे देते हैं. फिर भी नहीं है 10. क्यूरी में कुछ गलत है. सिलेक्ट एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी हायर अंडरस्कोर डेट मंथ अंडरस्कोर बिटवीन सिस्टम डेट कॉमा हायर अंडरस्कोर डेट आज टेन्योर एड अंडरस्कोर मंथ हायर अंडरस्कोर डे कॉमा 6 आज रिव्यू कॉमा नेक्स्ट अंडरस्कोर डेट हायर अंडरस्कोर डे आज फ्राइडे लास्ट डे ठीक है. इच्छा कर
साथ क्या हुआ? Select employee underscore ID, hire underscore date, month underscore between, everything. Select employee underscore ID, hire underscore date, month underscore between. ये दोनों में कुछ प्रॉब्लम है। कोई यार MONTHS बस तो बिटवीन एक्सपर्ट यहाँ तक आ जाएगा ठीक कहाँ दिखाए ऐसे बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू सो हम देखेंगे सपोज 400 से नीचे इसलिए नहीं दिखा रहा Okay, these are the reputed 400 से ही बताएगा 400 से नीचे जो जो वैल्यू है वो दिखाएगा अच्छा हम अगर 250 से नीचे लिखते हैं वो दिखा सकते हैं 250 से नीचे भी 280 से नीचे is the record are less than 280 these are the right okay understood ye kyun nahi dikha raha tha matlab hum 200 likh rahe the to isliye nahi dikha rahe 280 se niche value jo hai utna hai isko dekh kar aapko value retrieve okay अच्छा नेक्स्ट क्वेरी सिलेक्ट एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी हायर अंडरस्कोर डेट राउंड हायर अंडरस्कोर डेट month higher underscore date
Okay, so select employee ID, hire underscore date, round up hire date and month, truncation of hire date and month from hr.employee, we are hire date like 97. So those are the hire date is 97, the record it will display. Select employee underscore ID, hire underscore date, round up hire underscore date as month, truncation of hire date and month from hr.employee, where hire underscore date like 97. Okay. A, aapka employee ID nikalega, hire date nikalega, round up, hire date ko round up karega. Okay, round up hire date up to month. इसको राउंड किया, राउंड करने के बाद सब एक तरीक हो गया, देखो सब एक तरीक दिखा रहा है, ट्रंकेशन ऑफ हायर डेट में भी एक तरीक दिखा है, ओके, फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉई वेयर हायर डेट लाइक, जिसका हायर डेट में 97 होगा उसका रिकॉर्ड यहां पर डिस्प्ले करेगा. Is all about your chapter 3. So next class mein hum chapter 4 shuru karenge. Okay. So aaj to aapko bhej dunga yaad nahi tha jo database ka query bhej dunga. Okay, चलो पुलिस वाले बंदा कुछ छोड़ दिया.